उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से डीजी स्तर के दो अधिकारी गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। इसके साथ ही दो एडीजी को डीजी के पद पर पदोन्नति मिल गई है। डीजी कोऑपरेटिव सेल अमित कुमार पंडा व डीजी पावर कॉरपोरेशन कमल सक्सेना का कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो गया। डीजीपी मुकुल गोयल व एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों अधिकारियों को विदाई दी। इसके साथ ही एडीजी रेणुका मिश्रा व एडीजी बीके मोर को डीजी के पद पर पदोन्नति मिल गई है। 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा वर्तमान में एडीजी एसआईटी के पद पर तैनात हैं और इसी बैच के बीके मोर एडीजी लॉजिस्टिक के पद पर तैनात हैं। इसके साथ ही शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए डीजी विजिलेंस पीवी रामाशास्त्री को कार्यमुक्त कर दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे पीवी रामाशास्त्री को बीते दिनों एडीजी बीएसएफ नियुक्त किया गया था। इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें 31 मई 2025 तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कार्यमुक्त किया गया है। चर्चा है कि डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को डीजी विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं डीजी पीवी रामाशास्त्री के कार्यमुक्त होने के बाद एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत डीजी के पद पर पदोन्नत होंगे। पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। जल्द ही कई पदों पर तबादला सूची जारी हो सकती है। आप देख रहे थे द दस्तक 24। खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।